नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज हम आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हुए हैं। बहुत दिनों के बाद विदेश यात्रा के योग या विदेश में सेटलमेंट के योग इत्यादि के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, वो भी विस्तृत चर्चा करेंगे। पिछला वीडियो भी हमने विदेश यात्रा या विदेश में सेटलमेंट के योग के बारे में ही बनाया था और उसमें हमने आपको दो महत्वपूर्ण सूत्र बताया था कि किस प्रकार ये सूत्र हमें विदेश में यात्रा करने या विदेश में बसने का बताते हैं। आज उसी प्रकार हम लोग आज कुछ सूत्र और जानेंगे और हम लोग कुंडली के माध्यम से ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये ऐसे योग यदि हमारी कुंडली में बनते हैं तो विदेश यात्रा बताते हैं या नहीं बताते हैं? क्या हमें विदेश में बसना भी यह जो योग है बताते हैं कि नहीं बताते? इन सारी बातों की आज चर्चा हम आप लोगों से करेंगे। एक बार मैं फिर से आपको कहना चाहूंगा, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक और शेयर करना कदापि ना भूले दोस्तों। शेयर करने से, सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि हमें एक ऊर्जा प्रदान होती है और हम चाहते हैं कि आपको अच्छी से अच्छी जानकारियां ज्योतिष से रिलेटेड आपको मैं प्रदान करता रहूं और आप ये सारे वीडियो देखकर अपने कुंडली में ये सारे योग को मिलाकर आप भी अपने भविष्य के बारे में जान सकें कि क्या मैं विदेश जा सकता हूं कि नहीं जा सकता हूं, क्या मैं विदेश में सेटलमेंट हो सकता हूं कि नहीं हो सकता हूं, इत्यादि सारी चीजें आप जान सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं विदेश यात्रा के योग या विदेश में बसना का योग। मैं अविनाश कुमार, जेएस एस्ट्रो वास्तु का फाउंडर, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हमें किस प्रकार देखना है विदेश यात्रा? विदेश यात्रा मतलब यात्रा कहां की? विदेश की। तो हम लोग अपनी कुंडली में तीसरे घर, नौवे घर और बारहवें घर से हम लोग यात्राओं को देखते हैं। तीसरा घर हमारी छोटी मोटी दूरी की यात्रा को बताता, नौवां घर हमारी लंबी दूरी की यात्रा को बताता और साथ में बारहवां घर हमारे फॉरेन में, हमारे विदेश में सेटलमेंट को बताता है। किसी भी प्रकार से हमारी कुंडली में नौवां घर, नौवें घर का स्वामी की यदि दशा आ रही है, यदि वो अच्छी स्थिति में है, शुभ ग्रहों के साथ युक्त है, दृष्ट है, यदि चर राशि में है, चर ग्रह है उसमें, तो ये हमारे विदेश यात्रा के योग बताते हैं। अब हमने यहां आपको एक चर राशि और चर ग्रह के बारे में बताया। चर ग्रह किसे कहते हैं? जो शीघ्रगामी ग्रह होते हैं, जैसे हमारे जो अंतरिक्ष में है हम लोग नौ ग्रह को जानते हैं, सात मुख्य ग्रह और दो छाया ग्रह। तो सात मुख्य ग्रह में से आपको चंद्रमा, शुक्र और बुध, इसे हम लोग शीघ्रगामी ग्रह कहते हैं, अर्थात यह चर ग्रह कहलाते हैं, बाकी सारे ग्रह स्थिर ग्रह कहलाते हैं। उसी प्रकार राशियां होती है, तीन प्रकार की राशियां होती है आपको, चर राशि, अचर राशि और द्विस्वभाव राशि। चर राशि मतलब जो गतिमान गतिशील राशि होती है, अचर राशि मतलब जो स्थिर रहती है उसे मतलब अचर राशि कहते हैं, और द्विस्वभाव इनका स्वभाव कभी चलना गतिमान होना, कभी स्थित होना कहलाता, वो द्विस्वभाव राशि होती है। तो चर राशि कौन सी हो गई? पहली नंबर की राशि, चौथी नंबर की राशि, सातवें नंबर की राशि और दसवें नंबर राशि को चर राशि कहते हैं, अर्थात मेष, कर्क, तुला और आपको मकर, ये चर राशि होती है। उसी प्रकार द्विस्वभाव राशि कौन सी होगी दोस्तों? तो द्विस्वभाव राशि तीसरी नंबर की राशि, छठी नंबर की राशि, नौवें नंबर की राशि और बारहवें नंबर की राशि को द्विस्वभाव राशि कहते हैं, अर्थात मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि को हम लोग द्विस्वभाव राशि कहते हैं और बाकी जो चार राशियां बची वो अचर राशि कहलाती है। उसी प्रकार हमारे जो भी ज्योतिष में जो भी राशियां होती है वो चार प्रकार की होती हैं। आपको जलीय राशि कहलाते हैं, आपको अग्नि तत्व की राशि कहलाती है, आपको पृथ्वी तत्व की राशि कहलाती है, वायु तत्व की राशि कहलाती है। तो हमारे विदेश में यात्रा करना
का जो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल जो अदा करता है वो नौवे घर का स्वामी, साथ में चर राशि, चर ग्रह और जलीय राशि। हमारे विदेश यात्रा, हमारे विदेश में सेटलमेंट, बसने का योग में बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। जलीय राशि कौन सी होगी? चौथी नंबर की राशि कर्क राशि, फिर आठवीं नंबर की राशि वृश्चिक राशि और बारहवीं नंबर की राशि मीन राशि को हम लोग जलीय राशि भी कहते हैं। तो आज हम लोग कुंडली के अनुसार समझेंगे कि किस प्रकार नौवे घर का स्वामी चर राशि, चर ग्रह, जलीय राशि हमें विदेश यात्रा, हमें विदेश में सेटलमेंट के योग को कैसे फलीभूत करते हैं, ये हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे। अब आपके सामने कुंडली आ रही होगी, आप देख सकते हैं यह कुंडली कुंभ लग्न की कुंडली है आपको दोस्तों। और साथ में यदि आप देखेंगे तो इनकी जो दशा, जन्म के समय जो दशा थी वो मार्स थी, मतलब मंगल की दशा चल रही थी। ये एक जातिका की कुंडली है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि जो हम लोग देखते हैं विदेश यात्रा या यात्रा तीसरे घर, नौवें घर, बारहवें घर, तीसरे घर में देखिएगा कौन सी राशि, मेष राशि। मेष राशि क्या होती है? चर राशि होती है आपको दोस्तों। इसको स्वामी कौन होते हैं? मंगल होते हैं। नौवे घर देखिए, नौवे घर कौन सी राशि है? तुला राशि। तुला राशि भी चर राशि होती है दोस्तों। और इसके स्वामी कौन? शुक्र होते हैं। शुक्र भी चर ग्रह होते हैं दोस्तों। और आप देख सकते हैं बारहवें घर को देखिए दोस्तों, बारहवा घर भी दस नंबर लिखा हुआ, अर्थात ये हमारे मकर राशि हो गई। मकर राशि को भी हम लोग चर राशि कहते हैं। तो ये आप लोग आंख मूंद के बोल सकते हैं कि इस स्त्री का जो यात्रा होगी बहुत यात्रा होगी। काहे कि जो तीसरा घर, नौवां घर, बारहवां घर, तीनों के तीनों घर मूवेबल साइन है, चर राशि, चर साइन, चर चिन्ह दिखा रहा है आपको। तो ये जो महिला है वो बुध की दशा शुक्र के भुक्ति में यह विदेश गई थी। दोनों भुक्ति और दशा के स्वामी आप देख सकते हैं डायरेक्टली नौवे घर से रिलेटेड है, एक व्यवसायी के रूप में और दूसरा उसके स्वामी के रूप में। सबसे पहले वह शुक्र की भुक्ति एवं शनि की दशा में विदेश गई थी। शनि जो कि खुद लग्नेश है और साथ में बारहवें हाउस के स्वामी भी हैं। शुक्र जो है भुक्ति के स्वामी, जो नौवे घर के स्वामी होकर सातवें घर में देख सकते हैं आप तीसरे घर के स्वामी के साथ बैठे हुए हैं। वह दूसरी बार, तीसरी बार भी इसी दशा में विदेश गई थी। शनि की दशा और गुरु की भुक्ति में विदेश गई थी। गुरु क्या है देखिए, जलीय राशि वृश्चिक में स्थित है, दसवें घर में स्थित है और बारहवें स्वामी शनि से देखिए वो दृष्ट भी है। बुध दशा, बुध की भुक्ति भी इन्हें विदेश ले गई थी दोस्तों। बुध हालांकि पांचवें और आठवें के स्वामी है, साथ में वो नौवें के स्वामी शुक्र के साथ वो सातवें घर में बैठे हुए हैं। लग्न स्वामी शनि जो कि चौथे घर में विराजमान है, जो एक फिक्स साइन कहलाती है, जो कि शक्तिशाली दशा के कारण रिलेवेंट दशा और मुक्ति इसके जीवन काल में केवल विदेश यात्रा ही करवा सका, उसे विदेश में निवास नहीं करवा सका। इस प्रकार इस कुंडली में हम लोग जाने के किस प्रकार विदेश यात्रा का योग जो होता नौवे घर, नौवे घर के स्वामी के साथ बनता है। अब आपकी कुंडली में देखिएगा दोस्तों, आपके स्क्रीन में देखिएगा दोस्तों एक और कुंडली आ रही होगी। ये कुंडली हमें विदेश यात्रा के साथ साथ विदेश में सेटलमेंट भी बताता है। हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे इस कुंडली के माध्यम से किस प्रकार हमें विदेश यात्रा, विदेश में सेटलमेंट के योग बन रहे हैं। ये देख सकते हैं कि सिंह लग्न की कुंडली है दोस्तों। ये जो व्यक्ति है सबसे पहले सूर्य की दशा गुरु की भुक्ति में विदेश गया था। सूर्य लग्न का स्वामी है और कर्क राशि में बारहवें घर में सत्रवें घर के स्वामी शनि के साथ दृष्ट है।
जो अगली दशा सूर्य के बाद आई वो चंद्रमा की दशा आई, और इसमें भी वो विदेश में ही थे, जो कि बारहवें का स्वामी है और नौवें घर में स्थित है। किस प्रकार बारहवें का संबंध नौवें घर से बनता है, हम यहाँ इस कुंडली में देख सकते हैं, जो लगातार विदेश में बसना बताता है। दोस्तों, लग्न में नौवें का स्वामी मंगल, जो वर्गोत्तम राहु के साथ स्थित है। आप इसके नवांश कुंडली में आप देख सकते हैं कि राहु वहां वर्गोत्तम हो गए हैं। उसी प्रकार लग्न स्वामी बारहवें घर में एक जलीय राशि मूवेबल साउंड, जो चार नंबर है, जो कर्क राशि कहलाती है, वो चर राशि कहलाती है, साथ में जलीय राशि कहलाती है, स्थित है, जो उचित दशाओं में विदेश में निवास का संकेत देता है। तो अर्थात दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि किस प्रकार हमारी कुंडली में नौवें घर के स्वामी का प्रभाव, बारहवें घर के स्वामी का प्रभाव विदेश में यात्रा करवाना, विदेश में बसना बताता है। यदि आपके भी कुंडली में किसी प्रकार से नौवें घर की स्वामी, बारहवें घर के स्वामी, चर राशि, मूवेबल राशि, जलीय राशि है, तो जो भी स्वामी है, जो भी उस घर में बैठे ग्रह है, उनकी दशा, उनकी भुक्ति में आप विदेश यात्रा अवश्य करेंगे। और यदि किसी प्रकार यदि बारहवें घर से संबंध बन जाता और यदि वो फिक्स राशि नहीं हो, मतलब अचर राशि ना हो, तो आप डेफिनेटली विदेश जाएंगे और वहां बसेंगे। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों, यदि अच्छी लगे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय माता दी। धन्यवाद दोस्तों।